सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे जो है हाल फिलहाल में जो है उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती में जो है 1455 पदों पे जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, और 16 अगस्त तक जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने हैं। तो यहाँ पे आयोग की तरफ से 31 जुलाई को एक अपडेट आया था, कि वो अपडेट क्या था कि उसमें ये लिखा था कि भाई जो हाई कोर्ट के आदेशानुसार जो ये आया है कि इफ़ द मेन टाइम द 1564 कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी बीन गिवन द बेनिफिट बींग सीनियर इन ग्रेजुएशन एंड एज एंड हैव बीन सेलेक्टेड विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि देखो, जो 1455 नर्सिंग ऑफिसर भर्तों पे जो है ये जो याचिका डाली थी, इसमें या अभ्यर्थियों ने ये याचिका डाली थी हाई कोर्ट में कि भाई बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 1564 जो भर्ती हुई थी उसमें ऑलरेडी सिलेक्शन हो रखा है, लेकिन उन्होंने इस फॉर्म में भी आवेदन किया है। इस पर भी मैंने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि क्यों आवेदन किया था, क्योंकि आपको पता है वो जो 1564 भर्ती थी वो स्वास्थ्य विभाग की भर्ती थी, और उसमें जो है प्रदेश के जो पर्वतीय क्षेत्रों के दूरस्थ जो CSC PSC उनमें भी उनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो अब वो एक कैंडिडेट क्या चाहते हैं कि वो ये चाहते थे कि भाई, क्योंकि 1455 पदों पे जो भर्ती हो रही है वो मेडिकल कॉलेज में हो रही है, और मेडिकल कॉलेज आपके सारे सुगम में है, केवल पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को छोड़ दिया जाए, जो कि नया मेडिकल कॉलेज बना है उस कॉलेज को छोड़ दिया, तो बाकी सारे मेडिकल कॉलेज क्या है आपके सुगम में है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने पिथौरागढ़ भी आपके अच्छे क्षेत्र में है, वो अच्छे एरिया में है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया कि सुगम में नौकरी पाने के चक्कर में उन्होंने इस फॉर्म को भी भरा हुआ है। तो अब हाई कोर्ट की तरफ से ये सीधे सीधे उनके लिए नोटिस या आदेश आ चुका है कि भाई जिनका भी जो है 1564 भर्ती में सिलेक्शन हो चुका है, इनके फॉर्म सीधे सीधे निरस्त कर दिया जाए। तो अब काफ़ी राहत उन अभ्यर्थियों के लिए होगी कि जिनका थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा था, वेटेज मिल रहा था, अब उनको वेटेज मिल जाएगा, कि जिनका वेटिंग में थोड़ा बहुत नाम आ रहा था, एक आध नंबर से रुक रहा था, तो उनका यहाँ पे अब सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो गए, ठीक है। चाहे वो GNM डिप्लोमा की बात करें या BSc डिग्री वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है उनके लिए अपडेट, और बाकी देखो अब कितना फर्क इससे पड़ने वाला है, और कितना ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनने जो है इस भर्ती में आवेदन किया था 1564, इसकी लिस्ट भी जो है आयोग बाद में देखा, क्योंकि जब पूरी हमारे पास आ जाएगी कि किन में जो है डॉक्यूमेंट्स किन के निरस्त हुए किन के नहीं हुए, तो वो पूरी जानकारी जो है आयोग की तरफ से वेबसाइट पे दी जाएगी।